Ji, welcome back to Journey Enjoy Hub by Ibrar. We are back with another video. एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ अपने साथ ट्रैवलिंग पे. तो काइंडली आप लोग अपने बैग बांध लो, रेडी हो जाओ, ड्रेस्ड अप हो जाओ, पासपोर्ट उठा लो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कृपया कीजिए, आपकी फ्लाइट कुछ ही घंटों में शुरू होने वाली है. तो टेंशन नहीं लेनी, रेडी हो जाओ, पासपोर्ट रेडी कर लो, बैग चेक रेडी कर लो, क्योंकि विद इन 3 to 4 hours अभी हम जो है प्लेन के अंदर बैठे होंगे. कुछ हिंट्स आपको बता देता हूँ कि कौन सी कंट्री कौन सी सिटी में जाने वाले हैं. एक ऐसा कंट्री जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स यानी कि इनकी पॉपुलेशन उनके नंबर ऑफ बाइसाइकिल से कम है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इस कंट्री के लोग जो है बाइसाइकिल फ्रेंडली हैं, वो बाइसाइकिल यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू देयर ओन पर्सनल कार्स और ट्रांसपोर्टेशन. एक ऐसा कंट्री जहाँ पे जो इसका कैपिटल सिटी है वो मोस्ट ऑफ द सिटी पानी पे बना हुआ है. एक ऐसा कंट्री जिसका कैपिटल लोग देखने के लिए हजारों लाखों माइल्स जो है ट्रेवल करके आते हैं. सो गाइज व्लॉग को पूरा देखना, अगर ये पसंद आए तो उसको लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सॉरी गाइस, तो बताना आपको ये था कि अभी हमारी जो फ्लाइट है आज दोपहर के 2 बजे है, तो हमें घर से निकलना पड़ेगा ऑलमोस्ट 11 बजे, ताकि 11 बजे से 1 घंटा हमें लगेगा बुदापेस्ट एयरपोर्ट पहुंचते हुए. तो 12 बजे हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम 2 घंटे का जो मार्जिन है वो लेके चलते हैं. अक्सर फ्लाइट जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आप एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुँचो, क्योंकि हमने एक बड़ा सा बैग भी जो है चेक इन करवाना है, आपको बताइए. तो बैग है, ट्रेवलिंग का प्लान है, ट्रेवल कर रहे हैं, मगर जो नहीं है तो वो चलो यार सबसे पहले अपनी मीटिंग अटेंड करते हैं. मीटिंग अटेंड करने के बाद हम फौरन से रेडी होंगे. रेडी होने के साथ साथ हम जो है चिकन चावल एंड चाय इंजॉय करेंगे बिफोर वी लीव बुदापेस्ट फॉर 1 वीक. और बाकी शायद आज मुझे लग रहा है, वाइब भी आ रही है कि अगर बुदापेस्ट में आपकी भाभी नहीं मिल रही तो एम्स्टरडेम में मिलने जा रही है. अभी मीटिंग की तैयारी हमने कर ली है, इसको इधर रख देते हैं, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि आप लोग जो है हर चीज को एंजॉय कर सकें. तो मीटिंग शुरू होने में 3 मिनट रह गए हैं. हाँ जी गाइज, अभी हमने अपनी मीटिंग अटेंड की है. आपको पता ही कि राजा भाई जो है हर चीज में थोड़ा एक्टिव रहते हैं. तो मीटिंग में मैं जब एंटर हुआ तो मेरा मैनेजर कह रहा था कि राजा भाई आपकी फ्लाइट नहीं है. तो मैंने उनको बोला कि फ्लाइट है 2 बजे, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा मैनेजर को भी पेल दूं. तो मैंने बोला कि आप लोगों को हाई करने के लिए आया था, इसलिए मैंने ये मीटिंग अटेंड की ताकि प्रोग्रेस बता सकूं कि मैंने अपनी लास्ट फ्लाइट को किस टास्क पे काम किया था, और थोड़ा सा मैंने आपको हाई कहना था. तो अभी सीन ये है कि चीजें हमने ऑलमोस्ट रेडी कर ली हैं. बैग ये वाला रेडी किया है, ये वाला लैपटॉप उठाना है, एक और लैपटॉप उठाना है, ये दोनों लैपटॉप उठा के बैग में पैक करने हैं. और उसके बाद फिर राजा भाई ने रेडी होना है, ये वाली शर्ट पहननी है. शर्ट के साथ आपको पता ही है ज्वेलरी, ये सारी मशीन्स, एयर ड्रायर, साथ में वो पिल्लो रखा हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी नेक में दर्द ना हो, ये ना हो दर्द हो जाए और रास्ते में वो मिल जाए या प्लेन में वो मिल जाए, कुछ पता नहीं है. तो चलो यार अभी जल्दी से रेडी होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि हमें 12 बजे बुदापेस्ट एयरपोर्ट पे होना चाहिए. आपको बताइए अगर फ्लाइट मिस होगी तो QPE मिस हो जाएगा. QPE का मतलब हमारा जो एक टीम की मीटिंग है वहाँ पे, वो मिस हो जाएगी और बहुत ज़्यादा फन मिस हो जाएगा. तो चलो जी अभी रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट स्केड्यूल के साथ. तो हाँ जी गाइज, अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम आ गया है, रेडी हम हो गए हैं. आपको फाइनल लुक दिखा देते हैं. फाइनल लुक देखने से पहले आपको मुझे देख के लगता है कि आज वो मिलने वाली है. चलें उसका फैसला तो तकदीर करेगी. ये रही हमारी फाइनल लुक. आपको पता है कि एयरपोर्ट पे कैजुअल रहने में काफी अच्छी वाइब आती है, फीलिंग आती है. तो इसलिए आपके राजा भाई ने बिल्कुल लूज पिजामा, ऊपर आपके भाई ने टेडी बियर वाली शर्ट पहन ली है. तो अभी आपको ब्रेकफास्ट दिखाते हैं. ये है हमारा ब्रेकफास्ट, चिकन चावल. आपको याद होगा कि आपका राजा भाई चिकन चावल बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट हो गया है.
अभी तलाश है उसकी जिसको खिलाया जाए वो भी कॉम्प्लीमेंट दे। तो यार ये बैग मुझे अभी याद आया, ये आप देख सकते हैं हमारी मिक्स मिठाई। जिन लोगों को नहीं पता, तो आप लोग जिंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर रहे हो। अगर आपको चांस मिले थोड़ा सा लाइफ में, तो लाजमी मिक्स मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले और बर्फी ट्राई करना। अगर नहीं ट्राई की तो आपका लॉस है। तो यार ये आपके भाई ने मिक्स मिठाई जो है ली थी, साथ में ये आपके भाई ने गुलाब जामुन उठाए थे फिल्ड विद खोया। जैसा कि आपको पता है कि आपका राजा भाई काफी एक्टिव है, तो मैंने सोचा कि यार टीम से मिलना है अपनी, क्योंकि अभी हम जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां पे हमारी टीम की गेट टुगेदर है, उस कंपनी की टीम की जहां पे हम काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बॉयज को, फैमिली को, टीम को हैरान कर दिया जाए। उनको खोए वाले रसगुल्ले खिला के, गुलाब जामुन खिला के क्यों ना प्रमोशन ली जाए। तो छोड़ो यार, अभी सीन ये है कि ये रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मिक्स मिठाई बाहर पड़ी है, बैग हमारा फुल हो गया ऑलरेडी, इसमें डालेंगे तो वो फेंक देंगे बाहर, तो भी क्या करें फिर यार। अब ये बैग खोलना पड़ेगा, बैग खोल के भाईजान फिर ये दोबारा डालना पड़ेगा वहां पे, ताकि जो है हम इसको चेक इन से गो थ्रू कर सकें। तो चलो अभी सबसे पहले जितनी देर में हमारा ब्रेकफास्ट ठंडा होता है, हम जो है इस बैग को खोलते हैं। बैग को खोलने के बाद जो है चीज़ें डालते हैं और दोबारा से पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं जल्दी से बाहर, और बाकी की चीज़ें बाहर जाके रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों से शेयर करेंगे। गाइस बड़ी मुश्किल से पैकिंग की है, पसीनों पसीन हो गया हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे मेरी लाइफ में बड़ी जल्दी चाहिए, वो पैकिंग करवाने वाली साथ में हेल्प कर दे। अभी बड़ी मुश्किल से बैग बंद हुआ है, तरस आ गया था मुझ पे। तो मिठाई हमने डाल दी है, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि सामान बहुत ज़्यादा ओवरलोड हुआ पड़ा ये बैग, तो मुझे लग रहा है कि कहीं हमारी मिक्स मिठाई और गुलाब जामुन दब ना जाए, फिस ना जाए। लेकिन क्या है, रही है गोरे हैं, उनको थोड़ी पता है गुलाब जामुन कैसे दिखते हैं, मिक्स मिठाई कैसे दिखती है। तो टेंशन नहीं है ब्रो, जिस हालत में हुआ पिलवा देंगे, उनको खिला देंगे। तो अभी यार बॉयज निकलते हैं यार, टाइम काफ़ी हो गए। मैंने अपना जो स्केड्यूल था ये किया था कि 12 बजे से पहले पहले एयरपोर्ट पे होना है, अभी 11:10 हुए हैं। जल्दी से चिकन चावल ख़त्म करते हैं, ख़त्म करने के बाद जो है ये हमारा पिलो है, नेक पिलो, बैग रेडी है, वो बैग रेडी है, ये वाली जैकेट जो है हाथ में पकड़ के चलेंगे, और ये चार्जर जो है अपने पिंक वाले बैग में डालना है, वो साथ में ब्रश डालना है। डालने के बाद चलो बस लेते हैं, बस लेके सिटी सेंटर में जाएंगे, वहां से 100D बस लेंगे। 100D का मतलब है वो बस जो आपको डियाक फरिन से डायरेक्टली एयरपोर्ट पे लेके जाएगी विद इन 45 to 50 मिनट्स। तो चलो यार मिलते हैं, बाहर जाके गपशप करते हैं और बाकी की चीजें रिकॉर्ड करते हैं। 2 hours later। हाँ जी गाइस, अभी बैग चेक रेडी हो गए हैं, तो अभी टाइम आ गया, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू बुदापेस्ट। मैंने सोचा कि मैं और आप आखिरी बार मिलके इस रूम को देख लेते हैं, और सबसे ख़ास बात अपनी इस गुड़िया को गुड बाय कह देते हैं, क्योंकि ये गुड़िया भी उसी ने दी थी, और ये भी, इनको भी गुड बाय कह देते हैं, ये भी उसने दिए थे, और वो जो गुड वाइब्स हैं ये भी उन्हीं की तरफ से थे। तो अभी चलो यार, रूम शूम जो है सारा सेट हो गया, चीज़ें चीज़ें पैक कर ली हैं, ये सामान बाहर पड़ा। सो इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, एक हफ्ते बाद मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, चाओ। निकलते हैं जल्दी से और फिर चलते हैं अपनी एयरपोर्ट की तरफ। हाँ जी गाइस, यार मैं आपको क्या बताऊँ, अभी बड़ी मुश्किल से बैग नीचे ले गया हूँ, तकरीबन ये होगा 20 किलो का, और 5 से 6 किलो का जो बैग है आपके भाई ने शोल्डर पर उठाया हुआ है। तो रास्ते में रिकॉर्डिंग करने में बड़ी दुश्वारी आ रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हर एक मोमेंट जो है आप लोगों से शेयर करें। अभी वेट कर रहे हैं हम लोग अपनी बस का, बस हमारी इस डायरेक्शन से आएगी 72M, वो बस लेंगे, यहाँ से वो हमें सिटी सेंटर लेके जाएगी। यार एक मिनट, आप क्या देख रहे हो मेरी तरह,
समझ गया हाँ हाँ कटिंग कराई है आपका भाई, माल लग रहा है, हाँ हाँ समझ गया। पर बाकी अगर ये आप नेकलेस की बात करें, आप सोच रहे होंगे कि राजा भाई ने ये छोटा सा नेकलेस पहना हुआ है, इसकी स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि यार वो कुछ अर्सा पहले आई थी, उसने हमें नेकलेस दिया और बोला कि जब भी किसी खास जगह पे जाओ, स्पेशल जगह पे जाओ, तो ये नेकलेस पहन लेना। तो आज हमने ये नेकलेस पहन लिया है, क्या पता ये नेकलेस ही हमें उसकी रिप्लेसमेंट दिला दे, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो लिहाजा बस का वेट कर रहे हैं, काफी ट्रैफिक जाम है, वो रेड कलर की बस हमारी दूर से आ रही है, बस पकड़ेंगे, यहाँ से बस लेंगे, डियाक फ्रेंड्स में जाएंगे, वहां से अपनी बस नंबर 200E जो डायरेक्टली हमें एयरपोर्ट लेके जाएगी, और फिर जो हम लोग एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो हाँ जी गाइस, बताना आपको ये था कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे बुदापेस्ट का एयरपोर्ट है, तो इससे ये जाहिर होता है कि हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। पूरी बस ओवरलोड थी, जगह ही नहीं मिली वीडियो बनाने की, तो बड़ी मुश्किल से अपना बैग घुसाया था, खुद फिट हुए थे और एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। पता नहीं यार गला क्यों बैठ रहा है, वो हनी सिंह का गाना याद आ रहा है, गला तो सूख रहा है, माय गॉड। बात यह है कि अभी हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर जाके मेरे पास आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और नाइस वाला मैसेज है। तो चलो यार सबसे पहले इस बैग की जो है चेकिंग कराते हैं, इस बैग को जमा कराते हैं। ये जो बैग मैंने शोल्डर पे पहना हुआ है ये प्लेन के अंदर जाएगा, तो अभी अंदर चलते हैं, इसका वेट करवाते हैं, इसका बोर्डिंग पास निकालते हैं। बोर्डिंग पास निकालने के बाद जो है बैग को चेक इन कराएंगे, करवाने के बाद जो है आपको लेके चलते हैं हमारे साथ प्लेन के अंदर, और बाकी जो है फिर वहां की जर्नी वहां से शुरू करते हैं। A few moments later. One eternity later. हाँ जी गाइस, बताना आपको ये था कि पहुंच चुके हैं हम लोग एम्स्टरडम में, तो अभी हम लोग बैगेज कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको दिखा सकते हैं ये इनकी लेन्स हैं जहाँ पे बैगेज जाते हैं। तो बुडापेस्ट का जो बैगेज लेन का नंबर है वो 18 है, तो चलो यार अपने लेन की तरफ चलते हैं, वहाँ पे जाके अपना बैगेज कलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। और मज़े की बात है कि जब मैं बुडापेस्ट से फ्लाई किया था तब गर्मी थी, वहाँ पे धूप निकली थी, एम्स्टरडम में लैंड किया हूँ तो भाई हिंदी में कहते हैं एक वर्ड है ताकतोड़, उतनी ठंड है। तो अभी बैग से जैकेट निकालेंगे, अपना बैग कलेक्ट करेंगे और मिठाई चेक करेंगे कि क्या वो वैसी है या फिर पता है वो फिस गई है, अब वो तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल अब कोई खाने के लिए जगह ढूंढते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं और बाकी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। हाँ जी बॉयज, बताना आपको ये था कि पहुँच चुके हैं हम लोग अपना बैगेज कलेक्ट करने की जगह पर, और अभी तक हमारी लेन शुरू नहीं। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ वो कॉर्नर पर हमारी जो लेन है जहाँ पर वो बैग आएगा हमारा, लेकिन दिखा दें कि 18 से 19 मिनट लगेंगे बैगेज अनलोड होने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, बैठा जाए, क्योंकि 18 मिनट लगेंगे, 18 मिनट बाद वहां पे जाएंगे, बैग कलेक्ट करेंगे और फिर यहां से जो एग्जिट लेते हैं, एयरपोर्ट के बाहर जाते हैं, जाके हमें मैप हमने ऑलरेडी चेक कर ली है, हम होटल में जाने के लिए हमें दो ट्रांसपोर्टेशन यूज करनी पड़ेंगी, एक होगा ट्रेन और दूसरा होगा बस। 2 hours later. तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभी राजा भाई ने शावर लिया है, फ्रेश हुए हैं यार, कसम से चस आ गई है, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो गया है। साथ में अभी आपके भाई ने यहाँ से एक टी बैग उठाया, यहाँ पे टी बैग कोई हर्ब्स का पड़ा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। तो दो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, पहली ये कि अभी मैंने LED ऑन किया तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि वेलकम मिस्टर इब्रार शकूर, ये देख के यार थोड़ा राजा भी को खुशी हुई, क्योंकि यार समझ रहे हो किसी ने काफी अरसे बाद इज्जत दी है, बाकी पढ़ के अच्छा लगा। तो अभी यहाँ पे सिद्धू छोड़ेंगे, और दूसरा आपको पता है कि जब भी राजा भाई किसी भी होटल में लैंड करते हैं, जाते हैं, तो सबसे पहले एक सिग्नेचर जो है स्टेप करते हैं, नरगस वाला स्टेप नहीं, सिग्नेचर स्टेप, लो टेंशन ना लो। तो सिग्नेचर स्टेप कुछ ऐसा होने वाला है, आप देख सकते हैं ये आपका भाई खड़ा है, पीछे वो पोस्टर लगा हुआ है, ये बेड है राजा भाई का। तो अभी मेरे साथ चलो सिग्नेचर स्टेप को एंजॉय करते हैं, 3, 2, 1।
ब्यूटीफुल। हम कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आए, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्यू के साथ, नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद है इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस बिफोर इट्स टू लेट। टेक केयर, चाओ, पीस आउट।